रो दोस्तों, 2021 की शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड बजट एक्सयूवी कारों में बनी हुई है। इसमें देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी मारुति, हुंडई, टाटा और सेट्रोन 10 लाख रुपए तक के बजट में आने वाली नई एक्सयूवी कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 एक्सयूवी के बारे में जो जल्दी इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो रो दोस्तों, स्वागत है अपने ऑटो पावर सेक्टर में। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर ऑटो सेक्टर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लो स्टार्ट करते हैं। मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन विक्टारा ब्रेजा। मारुति की इस एक्सयूवी को 2022 में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस एक्सयूवी की शुरुआती कीमत, जिसका बेस मॉडल है वो 7,39,000 रुपये, लेकर इसका जो टॉप वेरिएंट मॉडल है वो आपको 11,43,000 के करीब होने वाला है। इसमें आपको 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर पेंटो इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 120 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क प्रदान करेगा। इसकी ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसकी डायमेंशन की बात करें तो आपको 3,995 mm की इसकी लंबाई, 1,790 mm की इसकी चौड़ाई और 1,640 mm की उसकी ऊंचाई मिलेगी। मारुति की YTB। मारुति की एक्सयूवी बेरोनो का मॉडिफाइड वर्जन होगा, जिसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल पेंटो इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 88 PS का पावर और 113 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। ये एक्सयूवी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। टाटा SVX। इस एक्सयूवी को टाटा मोटर ने 2020 में ऑटो एक्सपो में सबसे पहली बार शोकेस किया था। टाटा SVX को वैसे तो बीते साल लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और ऑटो सेक्टर की मंदी की वजह से एक्सयूवी को 2020 में लॉन्च नहीं किया गया। ऐसे में टाटा SVX जल्दी भारत में लॉन्च हो सकती है। इस एक्सयूवी में टाटा मोटर कई हाईटेक फीचर देने वाली है। वहीं SVX में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का नेचुरल पेंटो इंजन देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख के करीब होने वाली है। सिट्रोन कंपनी ने अपने इस एक्सयूवी में 2.0 लीटर की क्षमता का 4 सिलेंडर युक्त डीजल इंजन का उपयोग किया गया, जो कि आपकी 177 PS का पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस एक्सयूवी में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। कंपनी के अनुसार इस एक्सयूवी की माइलेज के बारे में बात करें तो आपको 18 से 19 के बीच इसकी माइलेज देने वाली है। डिजाइन के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई आपको 4,500 mm, चौड़ाई 1,840 mm और ऊंचाई इसकी 1,670 mm मिलेगी। इसका वेयरबेस आपको 2,730 mm का मिलेगा। इस एक्सयूवी की तो बूट स्पेस की बात करें तो आपको 1,630 लीटर का इसका बूट स्पेस मिलने वाला है। इसकी जो टक्कर है वो आपको हुंडई क्रेटा से देखने की मिलेगी। कीमत के बारे में बात करें तो अभी 7 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाली है। अभी इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ कि कितनी कीमत कंपनी रखेगी। अनुमानित कीमत इसकी है 15 लाख से स्टार्ट होने वाली। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार आपको सपोर्ट मिलता रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।